और इस वक्त की बड़ी खबर मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई, जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर शहर में शमशान में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की आपको बता दें कि मौत हो चुकी है। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ठेकेदार अभी भी फरार है। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, यानी कि ईओ जो कि निहारिका सिंह है, उनके समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए श्वेता, कल ही आज तक में ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए खुलासा किया था कि कहीं ना कहीं जो 25 लोगों की मौत हुई है उसमें घोटाले की बू आ रही है, कच्ची रेत का इस्तेमाल हुआ है और कहीं ना कहीं आज तक की खबर पर मोहर लगी है। जो 25 लोगों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे घोटाला था। शायद यही वजह है कि गाजियाबाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार, इनके खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष, इनको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो ठेकेदार है अजय त्यागी, वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है और बड़ा खुलासा ये है कि किस तरीके से नगर पालिका में आप एक तरीके से कहें तो पैसे को लेकर बंदरबाट होती है, उसके बाद इस तरह के घटिया अवैध निर्माण होते हैं जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कि कल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग गए थे और इस दौरान जो शमशान घाट का लिंटर था वो गिर गया और जिसमें 38 लोग घायल हो गए, 25 लोगों की मौत हो गई। तो अब जो 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं जो पुलिस का बड़ा एक्शन है वो सामने आया है अभी भी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी है वो फरार चल रहा है श्वेता। बिल्कुल अरविंद, और बहुत बड़ी अपने आप में ये बात है, अगर उस दिन उतने लोग नहीं वहां पर आए होते, बारिश नहीं हुई होती, तो आप समझ लीजिए कि महज 3 महीने पहले बना ये छज्जा, ये छत, ये इस तरह से नहीं गिरता, तो ये खुलासा भी नहीं हो पाता इस तरह से गोरख धंधे का। जी बिल्कुल श्वेता, और मैं आपको बताऊं कि देखिए किस तरीके से, हालांकि जो पुलिसिया एक्शन है, जो FIR है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं आखिर जो नगर पालिका के अध्यक्ष है मुरादनगर के, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और जल्दबाजी में और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर तमाम नियमों की अनदेखी करके घोटाला गड़बड़झाला करता है, बाकायदा निर्माण में कच्ची रेत का इस्तेमाल होता है, ये तमाम वो चीजें हैं जो नगर पालिका के तमाम ऐसे काम होते हैं उसमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब कल बारिश हो रही थी, अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने के लिए गए थे और फिर छज्जे के नीचे ये लोग खड़े हुए थे और अचानक से भरभरा के छज्जा गिर गया और मलबे में 38 लोग दब गए। एक एक करके सबको निकाला गया, 25 लोगों की मौत हुई, तब जाके प्रशासन जागा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया के तमाम खबरों